हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू वीआईपी टॉपर क्लासेस आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ वैज्ञानिक यंत्र जिनका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले है ऑडियोमीटर ऑडियोमीटर का उपयोग जो है ऑडियोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है जैसे कि इसमें आपको नाम से ही समझ आ रहा है ऑडियोमीटर तो यहाँ हम लिखेंगे कि यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है या मापने में उपयोग होता है ठीक है अब सेकेंड है एरोमीटर। एरोमीटर में नाम से आपको क्या समझ आ रहा है एरोमीटर। इसमें नाम से यह समझ आ रहा है कि यह एयर मतलब कि वायु में कुछ यूज होता है तो इस यह जो है यह वायु और यह वायु और गैसों के घनत्व यह वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है ठीक है एरोमीटर से क्या समझ आया कि यह वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है थर्ड है बैरोमीटर बैरोमीटर यह वायु दाब मापने के काम में आता है यह वायु दाब मापने के काम आता है ठीक है फोर्थ है बाइनोक्यूलर बाइनोक्यूलर तो आपने सुना भी होगा यह उपकरण जो है यह उपकरण दूर की वस्तुएं देखने के काम आता है यह उपकरण जो है दूर की वस्तुएं देखने के काम आता है इसका उपयोग आपने किया भी होगा कई बार ठीक है अब फिफ्थ है फैथोमीटर फैथोमीटर शायद ही आपने नाम सुना हो तो इसका उपयोग जो है समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए कि समुद्र की गहराई नापने में किसका उपयोग होता है तो फैथोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है ठीक है फैथोमीटर समुद्र की गहराई नापने के काम आता है अब इसके बाद है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर तो आप सभी जानते हैं आपकी गाड़ियों में लगा रहता है जो आपकी मोटरसाइकिल स्कूटी इनमें जो सामने आपकी स्पीड बताता है उसी को स्पीडोमीटर कहते हैं ठीक है तो स्पीडोमीटर जो है यह मोटर गाड़ी की मोटर गाड़ी की गति को मापता है गति को मापने के काम आता है या बताता है ठीक है सेवेंथ है वेंचुरी मीटर वेंचुरी मीटर जो है यह द्रव के प्रवाह की दर यह द्रव के प्रवाह की दर को बताता है ठीक है और लैक्टोमीटर इसको भी आप लोग जानते होंगे कि दूध की शुद्धता जांच करने का यंत्र क्या कहलाता है लैक्टोमीटर। तो इसमें आप लिख देंगे कि दूध की शुद्धता की जांच करने वाला यंत्र ठीक है तो ये हो गए हमारे कुछ वैज्ञानिक यंत्र अगर आपको कुछ पता था या नहीं भी पता था तो हमने सारे बता दिए हैं इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें ठीक है और इसी तरीके के यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल में बने रहें वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग